हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के नंबर वन फार्मेसी चैनल पे। सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। बस आपको ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा चैनल पर, उस पर क्लिक करना होगा तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और फिर आपको ये बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करना होगा ताकि जो भी हम वीडियोज़ डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएँ। दोस्तों, हर वीडियो आप तक पहुँचाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 14.3 इमल्शंस, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सो सबसे पहले देखेंगे प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शंस एंड कवर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। सुना, देख लेते हैं। देखिए, प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन में सबसे पहला पॉइंट है कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन इन इमल्शन में अकर ड्यू टू, तो माइक्रोबियल कंटामिनेशन क्यों होती है इमल्शन में, जिसके कारण उनको इमल्शन जो है उसकी प्रिजर्वेशन कंडीशन को मेंटेन रखना स्पेसिफाई किया जाता है। तो क्या क्या माइक्रोबियल कंटामिनेशन की वजह होती है इमल्शन में। सबसे पहले देखिए, कंटामिनेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ इमल्शन और ड्यूरिंग इट्स यूज़। तो कंटामिनेशन हो जाती है इमल्शन की उसकी प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट में, और ड्यूरिंग इट्स यूज़, उसके यूज़ के दौरान भी उसकी कंटामिनेशन हो जाती है। तो इस तरह की कंटामिनेशन माइक्रोबियल कंटामिनेशन भी हो सकती है। देन सेकेंड होता है, देखिए, यूजेज ऑफ इम्प्योर रॉ मटेरियल। तो जो रॉ मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं इमल्शन बनाने में वो इम्प्योर हो, तो उस वजह से भी कंटामिनेशन हो सकती है। देन पुअर सैनिटेशन कंडीशन, सैनिटेशन हाइजीन जो है वो अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया इमल्शन बनाने की प्रोसेस के थ्रू के दौरान, तो उस वजह से भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाती है। देन इन्वेजन बाय एन अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इन्वेजन बाय अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन्स किसी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वेड कर जाना, एंटर कर जाना इमल्शन में, जो कि प्रिडिक्ट ना किया जा सकता है जैसा कहो पहले, बट एक एक किसी किसी भूल की वजह से या किसी मिसकंसेप्शन की वजह से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इमल्शन में एंटर कर जाता है, तो उस तरह की वजह से भी हो सकते हैं माइक्रोबल कंटामिनेशन। देखिए, एंड लास्ट है, देखिए, कंटामिनेशन बाय द कंज्यूमर ड्यूरिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट। तो यूज करता है तो उसके दौरान भी प्रोडक्ट में वो कंटामिनेशन कॉज कर सकता है। तो ये सारी ही वजह होती है, देखिए, ये सारी ही कंडीशंस होती हैं जिसमें माइक्रोबल कंटामिनेशन हो जाते हैं इमल्शंस में। ना देखिए, तो प्रिजर्वेशन में हम देख लेते हैं कि प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, तो क्या क्या प्रिकॉशन ली जा सकती हैं जैसे कि उस तरह के माइक्रोबियल ग्रोथ जो अभी हमने देखी थी वो ना हो। देखिए, यूज़ ऑफ अनकंटामिनेटेड रॉ मटेरियल, तो ऐसे रॉ मटेरियल का यूज़ करें जो कि कंटामिनेटेड ना हो। देन केयरफुल क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट विद स्टीम, तो स्टीम से इक्विपमेंट जो है जिसमें इमल्शन प्रिपेयर किए जा रहे हैं, जिसके थ्रू इमल्शन प्रिपेयर किए जा रहे हैं, उनकी क्लीनिंग होनी चाहिए स्टीम से। एंड देन थर्ड है, यूजिंग प्रिजर्वेटिव सच एज एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इसके बारे में हम देखिए दोनों ही एजेंट्स के बारे में आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ना देखिए, फिर क्या होता है कि द प्रिजर्वेटिव यूज इन इमर्शन मस्ट बी, तो ये जो प्रिजर्वेटिव हमने अभी देखे थे एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड एंटी ऑक्सीडेंट, तो इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि ये किस तरह के होने चाहिए। मस्ट बी लेस टॉक्सिक, टॉक्सिक नहीं होने चाहिए करेक्टर में। स्टेबल टू हीट एंड स्टोरेज, तो स्टेबल होने चाहिए, वो किसी तरह का अनस्टेबिलिटी नहीं कॉज करनी चाहिए उसको इमर्शंस में ड्यूरिंग हीटिंग प्रोसेस या स्टोरेज प्रोसेस के दौरान। देन केमिकली कंपैटिबल होने चाहिए, रीजनेबल कॉस्ट के होने चाहिए, एक्सेप्टेबल टेस्ट ओडर एंड कलर होना चाहिए। देन इफेक्टिव अगेंस्ट फंगस यीस्ट एंड बैक्टीरिया, तो देखिए सारी ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट जो है ये इफेक्टिव होने चाहिए। देन अवेलेबल इन ऑयल एंड एक्वस फेस एट इफेक्टिव लेवल कंसंट्रेशन, तो और ये जो प्रिजर्वेटिव हैं ये दोनों ही फेसेस में अवेलेबल होने चाहिए ताकि इमर्शन प्रिपरेशन किसी भी तरह का इमर्शन हो, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, उसमें उसको यूज किया जा सके। देन प्रिजर्वेटिव शुड बी इन अनआयनाइज्ड स्टेट टू पेनिट्रेट द बैक्टीरिया, जो प्रिजर्वेटिव है वो अनआयनाइज स्टेट के होने चाहिए ताकि वो पेनिट्रेट कर पाए बैक्टीरिया में। तो ये क्या, ये भी एक कंसेप्ट होता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल अनआयनाइज स्टेट का होता है तभी वो सेल वॉल के थ्रू, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल वॉल के थ्रू पेनिट्रेट कर सकता है। दैट इज़ वाई ये प्रिजर्वेटिव भी अनआयनाइज स्टेट में होने चाहिए। देन प्रिजर्वेटिव मस्ट नो बाइंड टू अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इमल्शन, तो और प्रिजर्वेटिव जो है वो इमल्शन के किसी और कॉम्पोनेंट के साथ बाइंड नहीं होने चाहिए, सिर्फ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको किलिंग करने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए प्रिजर्वेटिव्स में।
देखिए देख लेते हैं एंटी माइक्रोबियल्स एज प्रिजर्वेटिव, कैसे कौन कौन से एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स। तो देखिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखिए पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट एस्टर डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे मिथाइल प्रोपाइल एंड ब्यूटाइल पैराबेंस। देन होते हैं ऑर्गेनिक एसिड जैसे एस्कॉर्बिक एंड बेंजोइक एसिड। देन ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल होते हैं जैसे फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट। देन होते हैं क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड सच एज सिट्रीमाइड। एंड देन होते हैं क्रिसोल डेरिवेटिव जैसे क्लोरोक्रिसोल। एंड लास्ट होते हैं मिसलिनियस एजेंट सच एज सोडियम बेंजोइट, क्लोरोफॉर्म एंड फिनोक्सीथेनो। तो ये सारे ही हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो यूज़ किए जाते हैं इन एज प्रिजर्वेटिव्स इन इमल्शंस में। नो अब देखिए देख लेते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो कि यूज़ किए जाते हैं एज प्रिजर्वेटिव्स। तो सबसे पहले देखिए गैलिक एसिड एंड प्रोपाइल गैलेट यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिक्स एंड कॉस्मेटिक्स में। इसको यूज़ किया जाता है बेसिकली जो आउटर प्रिपरेशंस होती हैं जो स्किन पे अप्लाई की जाती हैं बेसिकली बिकॉज इसका बिटर टेस्ट होता है। तो फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स में इस गैलिक एसिड एंड प्रोपाइल गैलेट को यूज़ किया जाता है। देन एस्कॉर्बिक एसिड सुटेबल फॉर ओरल यूज प्रोडक्ट, ओरली जो प्रोडक्ट यूज़ किए जाते हैं उसमें सुटेबल होता है एस्कॉर्बिक एसिड। देन सल्फाइड्स होते हैं सुटेबल फॉर ओरल यूज प्रोडक्ट्स। देन एल टोकोफेरॉल होता है जो कि फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है सुटेबल फॉर ओरल प्रिपरेशन सच एज दोज कंटेनिंग विटामिन ए। तो इन तरह की प्रिपरेशन में दिया जाता है एल टोकोफेरॉल एज एन एंटीऑक्सीडेंट। देन ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स में दिया जाता है। प्रोनाउंस्ड ओडर होती है, बहुत ही ओडर जो होती है इसकी बहुत ही स्ट्रांग होती है तो इसको यूज किया जाता है लो कंसेंट्रेशन में। एंड लास्ट होता है देखिए ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी लेनिसोल जो कि फार्मास्यूटिकल्स एंड कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। तो देखिए हमने देखे एंटी माइक्रोबियल एजेंट और एंटीऑक्सीडेंट जो कि यूज किए जाते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव इमल्शंस में। ना देखिए एन आइडियल एंटी ऑक्सीडेंट शुड बी, तो एंटी ऑक्सीडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट होना चाहिए अगर उसको इमल्शन में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जा रहा है तो। देन इफेक्टिव एट लो कंसेंट्रेशन अंडर द एक्सपेक्टेड कंडीशन ऑफ स्टोरेज एंड यूज़। तो लो कंसेंट्रेशन में इफेक्टिव होना चाहिए। सोल्यूबल इन मीडियम एंड स्टेबल, सोल्यूबल होना चाहिए डिस्पर्जन मीडियम जिस भी मीडियम का यूज़ किया जा रहा है उसमें ही सोल्यूबल होना चाहिए एंड स्टेबल होना चाहिए। देन एंटी ऑक्सीडेंट फॉर यूज़ इन ओरल प्रिपरेशन शुड ऑल्सो बी ओडरलेस एंड टेस्टलेस। तो अगर ओरल प्रिपरेशन में उसको यूज किया जा रहा है तो वो ओडरलेस एंड टेस्टलेस होना चाहिए। ना देखिए देख लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस। सो एन इमल्शन इज सेट टू बी स्टेबल इफ इट रिमेन एज सच आफ्टर इट्स प्रिपरेशन। तो इमल्शन को हम स्टेबल कहेंगे अगर वो अपनी प्रिपरेशन के बाद वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखता है, मेंटेन रखता है। दैट इज़ द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डिस्पर्जन मीडियम ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज। तो अगर इमल्शन जो है उसको प्रिपरेशन होने के बाद उसको स्टोरेज में रखा गया है और स्टोरेज में रखने के फेस में भी डिस्पर्स्ड फेस जो है डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड हो डिस्पर्शन मीडियम में तो उस तरह के इमल्शन को कहा जाता है कि वो इमल्शन स्टेबल है। द इमल्शन शुड बी केमिकली स्टेबल एंड देयर शुड नॉट बी एनी बैक्टीरियल ग्रोथ ड्यूरिंग इट्स शेल्फ लाइफ। और जो इमल्शन है उसमें किसी तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, केमिकली स्टेबल होने चाहिए अपने शेल्फ लाइफ के दौरान। देन देखिए इमल्शन इनस्टेबिलिटी में इधर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एंड मैनिफेस्ट द फॉलोइंग वेज। तो जो इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन होती है वो रिवर्सिबल भी होती है, वो इरिवर्सिबल भी होती है। कौन कौन सी तरह की इस तरह की इमल्शन इंस्टेबिलिटी होती है, देखिए क्रैकिंग होती है जो कि इरिवर्सिबल इंस्टेबिलिटी होती है। देन फ्लॉक्युलेशन होता है, क्रीमिंग होती है एंड फेस इन्वर्जन होता है। तो इन सभी के बारे में हम अपने आगे वाली स्लाइड्स में देखते हैं। सो ना देखिए इमल्शन इंस्टेबिलिटी में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्रैकिंग जिसको हम क्वाइलेसेंस भी कहते हैं। तो ये इरिवर्सिबल इंस्टेबिलिटी होती है। क्या होता है देखिए क्रैकिंग में, क्रैकिंग मीन्स द सेपरेशन ऑफ टू लेयर्स ऑफ डिस्पर्स्ड एंड कॉन्टिन्यूस फेस ड्यू टू द क्वाइलेसेंस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस ग्लोब्यूल्स विच आर डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स बाय शेकिंग। बिकॉज ये देखिए डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स बाय शेकिंग, दैट इज़ वाई ये एक तरह की इरिवर्सिबल इंस्टेबिलिटी है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसमें क्या होता है जो डिस्पर्स्ड फेस ग्लोब्यूल्स होते हैं वो क्वाइलेसेंस हो जाता है उसका, वो आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं कि ये इमर्शन जो है ये ऐसा दिखता है कि ये जो है क्रैक हो गया है, दो अलग अलग फेस सेपरेट हो जाते हैं। डिस्पर्जन मीडियम नीचे दिखता है, डिस्पर्स्ड फेस ग्लोब्यूल जो है वो एक साथ इकट्ठा होकर ऊपर सेपरेट हो जाते हैं और ये रीडिस्पर्स भी नहीं होते शेक करने से। तो इस तरह के फेनोमेना को हम कहते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग होने के देखिए रीजन क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। बाय एडिशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ ऑपोजिट टाइप। तो देखिए अगर इमल्सिफाइंग एजेंट
एजेंट ऐड कर दिया गया है ऑपोजिट टाइप का, तो भी तो क्रैकिंग हो जाती है बाय डिकम्पोजिशन और प्रिसिपिटेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो प्रिसिपिटेट हो गया है तो उस करंट से भी हो जाती है क्रैकिंग। बाय एडिशन ऑफ कॉमन सॉल्वेंट, अगर कॉमन सॉल्वेंट का एडिशन कर दिया है तब भी हो जाती है क्रैकिंग। बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चेंज इन टेम्परेचर एंड बाय क्रीमिंग। तो ये सारी ही कॉजेज होती हैं जिसकी वजह से क्रैकिंग हो जाती है इमल्शन में। मतलब कि सेकंड देख लेते हैं इमर्शन स्टेबिलिटी में, फ्लॉक्युलेशन क्या होता है। देखिए फ्लॉक्युलेशन में, इन फ्लॉक्युलेशन द स्मॉल स्फेयर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्लम्प्स और फ्लॉक्स विच राइज और सेटल इन द इमर्शन मोर रैपिडली देन दैट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये एक तरह का स्टेबल इमर्शन है, फिर क्या हुआ फ्लॉक्युलेशन के कारण क्या हुआ, ये एक तरह से देखिए ये जॉइंट टुगेदर एक तरह से आपस में जुड़ने लगते हैं, जो कि या तो ये ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं या ये नीचे की तरफ एज इन अ फॉर्म ऑफ सेडिमेंट ये नीचे की तरफ सेटल होने लगते हैं मोर रैपिडली देन दैट ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। और अगर ये अगर इमर्शन, अभी हम आगे के पॉइंट में देखेंगे कि अगर इमर्शन की प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं किया गया तो इसी तरह का फ्लॉक्युलेशन जो है वो सेडिमेंटेशन या अपवर्ड मूवमेंट के बाद क्वालेसेंस करता है, जो अभी हमने देखा था ब्रेकिंग ऑफ इमर्शन, क्रैकिंग ऑफ इमर्शन। तो इस तरह का क्वालेसेंस भी हो जाता है फ्लॉक्युलेशन के कारण। और क्या होता है, देखिए द एप्लीकेशन ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू द फॉर्मुलेशन मीन्स अगर शेक किया जाए तो विल रीडिस्पर्स दीज ड्रॉपलेट्स टू फॉर्म होमोजेनस फॉर्मुलेशन। तो अगर इस फॉर्मुलेशन जो है उसको शेक किया जाए तो ये जो ड्रॉपलेट है ये रीडिस्पर्स हो जाएंगे और फिर से जो इमर्शन है वो स्टेबल इमर्शन फॉर्म हो जाएगा। ऑल द फ्लॉक्युलेशन में स्टेबलाइज द फॉर्मुलेशन, देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी दैट क्लोज लोकेशन ऑफ ड्रॉपलेट वुड अनेबल ड्रॉपलेट कोएलेसेंस टू अकर इफ द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरफेशियल फिल्म आर कॉम्प्रोमाइज्ड। तो अब यही पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि फ्लॉक्युलेशन जो है वो स्टेबल कर देता है इमर्शन को अगर रीडिस्पर्स किया जाए, बट कभी कभार क्या होता है कि अगर इमर्शन की प्रॉपर्टीज जो है उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया तो कोएलेसेंस भी एक्सपीरियंस करनी पड़ती है इमर्शन को। तो ये होता है देखिए फ्लॉक्युलेशन। और देखिए थर्ड देख लेते हैं हम अपना क्रीमिंग। क्रीमिंग क्या होती है, देखिए क्रीमिंग में भी डिफाइंड एज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डिस्पर्स ग्लोब्यूल टू फॉर्म अ थिक लेयर एट द सर्फेस ऑफ इमर्शन। तो देखिए इसमें क्रीमिंग में एंड कोएलेसेंस में आप कन्फ्यूज मत होइएगा। इसमें क्या होता है, देखिए क्रीमिंग में क्या होता है कि डिस्पर्स फेस ग्लोब्यूल्स सिर्फ ऊपर की तरफ मूव करते हैं, बट कोएलेसेंस में क्या होता है कि ये ग्लोब्यूल जो है ये आपस में ज्वाइन हो जाते हैं एंड देन ये अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं। तो इस वजह से क्रीमिंग जो है वो टोटली रिवर्सिबल होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है, क्रीमिंग इज टेम्पोररी फेस बिकॉज इट कैन बी रीडिस्ट्रीब्यूट बाई माइल्ड शेकिंग और स्टेरिंग। तो क्रीमिंग जो है एक तरह की टेम्पोररी फेस प्रोसेस होती है क्योंकि इसको जो ये ग्लोब्यूल्स हैं इनको रीडिस्पर्स किया जा सकता है बाई माइल्ड शेकिंग और स्टरिंग टू गेट अगेन अ होमोजीनियस इमर्शन। तो होमोजीनियस मिक्सचर इमर्शन जो है वो अगेन रिगेन किया जा सकता है अगर क्रीमिंग हो गई है इमर्शन में। तो देन द फैक्टर अफेक्टिंग क्रीमिंग आर डिस्क्राइब्ड बाय स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ हम अपने आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है एक तरह का स्टेबल इमर्शन है। सेडिमेंटेशन में क्या हुआ कि डिस्पर्स फेस ग्लोब्यूल जो है ये सेटल डाउन हो गए। क्रीमिंग में क्या हुआ, इनकी अपवर्ड मूवमेंट हो गई। फ्लॉक्युलेशन में भी हमने देखा था कि आपस में ज्वाइन हो गए हैं, फ्लॉक्स बना लिए हैं एंड कोएलेसेंस में देखा था कि ये इस तरह से ज्वाइन हो गए हैं कि इनको रीडिस्पर्स नहीं किया जा सकता। फेस इन्वर्जन जो है अभी हम अपने आगे वाली स्लाइड पर देखेंगे, इसमें क्या है कि डिस्पर्स्ड फेस जो है वो डिस्पर्जन मीडियम बन जाता है एंड वाइस वर्सा। तो ये अभी हम आगे वाली स्लाइड पर देखेंगे। अभी स्टोक लॉ देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देख लेते हैं स्टोक लॉ फॉर क्रीमिंग। तो स्टोक लॉ कैलकुलेट रेट ऑफ डिस्टेबलाइजेशन ऑफ एन इमर्शन बाय इक्वेटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स विद द ऑपोजिंग हाइड्रोडायनामिक फोर्स। तो ये इस तरह की इक्वेशन होती है, देखिए इसकी वी इज इक्वल टू 2gr² d1 - d2 / 9। नीटा होता है, कुछ लोग इसको रो बोलते हैं, कुछ लोग इसको नीटा बोलते हैं। विस्कोसिटी का साइन होता है, देखिए ये। तो वी क्या होता है, देखिए वी इज अ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और रेट ऑफ क्रीमिंग हम कह सकते हैं जिसको मीटर पर सेकंड में एक्सप्रेस किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको प्लीज़ आप इसकी यूनिट जरूर याद रखें अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं तो। देन जी क्या होता है, देखिए इसमें जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 980 cm/s। आर क्या होता है, ड्रॉपलेट का रेडियस होता है सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। डी वन क्या होता है, डेंसिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेस जो कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस की जाती है। डी टू क्या होता है, देखिए डेंसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस फेस जो कि अगेन
अगेन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस की जाती है, एंड अनीटा क्या होता है, देखिए विस्कोसिटी ऑफ द कॉन्टिन्यूस फ्लूइड जो कि ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड में एक्सप्रेस की जाती है, और इसकी वैल्यू होती है देखिए 0.01 एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है स्टोक लॉ फॉर क्रीमिंग के लिए जो कि एक्सप्रेस किया जाता है। देखिए फोर्थ देख लेते हैं, फेज इन्वर्जन क्या होता है। देखिए फेज इन्वर्जन, द फेज इन्वर्जन मीन्स द चेंज ऑफ वन टाइप ऑफ इमर्शन इनटू अदर टाइप, दैट इज ऑयल इन वाटर इमर्शन चेंजेस इनटू वाटर इन ऑयल टाइप एंड वाइस वर्सा। तो इसमें क्या होता है कि देखिए एक तरह का इमर्शन है वाटर इन ऑयल टाइप इमर्शन है, देखिए ये तो ये जो है ये चेंज हो जाता है ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमर्शन में, किस किस रीजन की वजह से होता है वो अभी हम आगे देखते हैं। तो इस तरह की फेनोमिना को हम कहते हैं फेज इन्वर्जन, जिसमें इमर्शन का फेज ही पूरा चेंज हो जाए। देखिए ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन फेज इन्वर्जन टेक्स प्लेस, किस किस रीजन की वजह से होता है, बाय एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर किसी तरह के इलेक्ट्रोलाइट के इसमें एडिशन किया जा रहा है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर देखिए स्टेबल इमर्शन था वाटर इन ऑयल टाइप का इमर्शन था, बट इलेक्ट्रोलाइट के एडिशन करने के बाद क्या हुआ, ये इमर्शन जो है ये पूरी तरह से चेंज हो गया और ये ऑयल इन वाटर टाइप का इमर्शन हो गया। तो बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू होता है, बाय चेंजिंग द फेज वॉल्यूम रेशियो, फेज वॉल्यूम रेशियो अगर चेंज कर जाती है तो भी इस तरह का फेज इन्वर्शन ऑब्जर्व किया जाता है। देन बाय टेम्परेचर चेंज, अगर टेम्परेचर चेंज किया जाता है इमर्शन का तब भी कभी कभार क्या होता है फेज इन्वर्शन हो जाता है, बाय चेंजिंग द इमल्सिफाइंग एजेंट, और अगर इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो प्रॉपर नहीं यूज किया तो भी इमर्शन में फेज इन्वर्जन हो जाता है। देखिए इसमें क्या है कि फेस इन्वर्शन में नोट क्या करना है कि द फेस इन्वर्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय कीपिंग कंसंट्रेशन ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस बिटवीन 30-60%। तो फेस इन्वर्शन जो है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, कि प्रिवेंट किया जा सकता है अगर कंसंट्रेशन जो है डिस्पर्स्ड फेस की वो 30-60% रखी जाए, ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए डिस्पर्स्ड फेस की, स्टोरिंग द इमर्शन इन कूल प्लेस ताकि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन कम से कम हो, यूजिंग अ प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट इन एडिक्वेट कंसंट्रेशन। तो इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाए तो फेस इन्वर्शन जो है उसको अवॉइड किया जा सकता है इमर्शंस में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 15 टैबलेट्स एंड कैप्सूल। सो फ्रेंड्स क्या होता है, देखिए हम टैबलेट्स और कैप्सूल अपलोड कर रहे हैं जो कि अगर बैचलर ऑफ फार्मेसी में देखा जाए तो ये फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का पार्ट है, बट हम सारे ही ये जो चैप्टर्स हैं ये फार्मास्यूटिक्स के हेडिंग के थ्रू के अंडर अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान रखें, अगर कोई भी चैप्टर आपको दिखता है तो उसे आप प्लीज़ ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको ईजी हो, हम हर एक कैटेगरी वाइज इसको नहीं डालते ताकि आपको कम से कम कन्फ्यूजन हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स के बारे में। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।